आज हम आटा मलने जा रहे हैं, जो कि हेल्दी आटा है। मैंने स्वीट कॉर्न उबाले थे, तो स्वीट कॉर्न का जो पानी है ये बचा हुआ है, देखो स्वीट कॉर्न का ही पानी बचा हुआ है, इसी में मैं आटा मलूंगी। स्वीट कॉर्न के जो पानी बचा हुआ है मैं उसी में ही आटा मल दूंगी। मैंने इस पानी को फेंका नहीं है स्वीट कॉर्न के, उसी में ही मैं आटा मल रही हूँ। ये देखो, और इसमें आप थोड़े से, अगर आपके पास मेथी पड़ी है, मेथी है ना, तो मेथी के थोड़े से पत्ते भी डाल सकते हैं। मतलब स्वीट कॉर्न का पानी हो गया और मेथी के पत्ते हो गए, वो भी डाल सकते हैं इसमें आप। तो बहुत हेल्दी होता है स्वीट कॉर्न के आटे का। ये स्वीट कॉर्न का जो पानी था ना, वो ये मैंने डाल दिया, स्वीट कॉर्न का पानी प्लस मेथी का आटा, दोनों ही बहुत हेल्दी है। ये इसी का आटा मल रहे हैं, स्वीट कॉर्न के पानी का, और उसमें मेथी डाल दी, मेथी के पत्ते डाल दिए, दोनों ही हेल्दी हैं। और उसमें आटे में जो फ्लेवर आएगा वो स्वीट कॉर्न का ही आएगा आपके, ये सारा फ्लेवर जो है स्वीट कॉर्न का ही आएगा। बस इस आटे को 3-4 मिनट तक आपने रसने के लिए रख देना है, इसको रिसने के लिए रख देना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं बना नहीं पा रही, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसके लिए मैं सॉरी कहूँगी आप सबको। मेरे को वीडियो बनाने आती नहीं है अभी, तो मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में आटा मल रही हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है। तो ये हमने रसने के लिए रख दिया, और थोड़ी देर बाद इसको फिर से 10 मिनट के लिए रख दिया, 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए रख दिया। इसको दोबारा से फिर हम मसलेंगे और ढोंगे में डाल देंगे। हेल्दी आटा तैयार है।